आ रहा है आउटपुट में, आप गए देख पा रहे होंगे 219 निकाल रहा है, ये 219। तो अभी मैंने 1.5 टन का एसी इसके कनेक्ट किया हुआ। ग्रॉस वेट की इसकी बात करें तो लगभग 11.5 kg है, तो वेट तो अच्छा खासा है। मैंने इसको ओपन करके भी दिखा दिया है। ये इसकी कॉयल है और ये मेरा साइज, हाथ का साइज देख रहे हो तो गाइस, ये इसकी जो चौड़ाई, तो इनकी सर्विस लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो इससे बचने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में कैंडिस के एक स्टेबलाइजर की अनबॉक्सिंग रहने वाली है और ये 90 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट इसकी रेंज रहने वाली है। 4 kVA का स्टेबलाइजर है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। यहाँ कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या बेसिक डिटेल्स इसकी दे रखी हैं, प्रॉपर सीरियल नंबर इसमें दे रखा है। कुछ स्टेबलाइजर और अदर ब्रांड के आते हैं, इनमें सीरियल नंबर वगैरह उनके मेंशन नहीं रहते हैं। MRP की बात करूँ तो 10,049 रुपये इसमें दे रखी है और May 2024 का मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इसका जो वेट है लगभग 11 kg रहने वाला है। अब इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। और इसकी कॉइल वगैरह की बात करूँ तो ये मुझे फ्लिपकार्ट से 4,640 रुपये का पड़ा है। अनबॉक्स कर रहा हूँ और पैकिंग काफ़ी ठीक थी इसमें। 2-3 मुझे मिली हैं, एक तो ये हैंगिंग के लिए ये फास्टनर नट मिल गया है और ये प्लेट मिली जिसको भी ये हैंग होगा। और ये इसकी मैग्नेट है, वेट काफ़ी ज़्यादा है। ग्रॉस वेट की इसकी बात करें तो लगभग 11.5 kg है, तो वेट तो अच्छा खासा है। मैंने इसको ओपन करके भी दिखा दिया है। ये इसकी कॉयल है और ये मेरा साइज, हाथ का साइज देख रहे हो तो गाइस, ये इसकी जो चौड़ाई लगभग रहेगी ये करीब 8 इंच या 10 इंच रहने वाली है, तो काफ़ी हैवी है। और ये बाकी आप इसमें देख पा रहे हो, ये पुराना नहीं है। मैं सोच रहा था ये डैमेज साइड से निकला है तो हो सकता है ये पुराना दे दिया हो, पर ड्यूरिंग ट्रांजिशन ये डैमेज हुआ है। तो अभी मैंने रिटर्न करने की कोशिश करी है, स्टॉक में इनके दिख नहीं रहा है, तो देखता हूँ मैं। अगर इसके चला के देख रहा हूँ तो इसको मैं अपने पास ही रखूँगा। अंदर से बिल्कुल ब्रांडिंग है, कोई इशू इसमें रहने वाला नहीं है। बाकी लाइफ और इसकी जो सर्विस है वो रिव्यूज़ में काफ़ी लोगों ने बताया है कि अगर आप कहीं रिमोट एरिया में रह रहे हो तो इनकी सर्विस लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो इससे बचने के लिए आप महंगी वाले बाय कर सकते हो, बी गार्ड या माइक्रोटेक के। और जो लगभग इसकी इसी सेम अगर आप रेंज का बाय करोगे तो लगभग इसकी डबल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो गाइस ये थी कंप्लीट अनबॉक्सिंग और इसके कुछ मैनुअल्स भी हैं इसके साथ जो आए हुए हैं। और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट स्कैन टू वैलिडेट द, ये कुछ आइटम और इन्होंने दे रखे हैं। और अभी मैं इसको वॉल माउंट करता हूँ, बाकी चलाता हूँ। लाइट का फ्लक्चुएशन मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा था, तो गाइस अगर इसको बाय करना चाहो तो आप बाय कर सकते हो। और इसकी कॉइल जो मैं बताऊँ वो गारंटी से एल्यूमिनियम ही होगी, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको कोई भी कॉपर नहीं देने वाला। यहाँ 3 रिले आपको मिल जाती हैं, ये रिले रही हैं इसकी, और इसमें जो वायर यूज करेंगे वो भी कैंडिस ब्रांड के ही हैं। और इसकी ऑन साइड वारंटी आपको 3 ईयर्स की मिल जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइनली गाइस कम्प्लीटली अनबॉक्स हो चुका है और ये 2-3 जगह तो मुझे डैमेज मिला है, ये ड्यूरिंग ट्रांजिशन या सेलर ने ही मुझे ये पुराना भेजा है या कुछ स्क्रैचेज हैं। और दूसरी साइड देख पा रहे हो ये इसका पार्ट देखिए आप, ये पूरा बाहर की ओर निकला हुआ है, ज़बरदस्ती से खोलने की कोशिश करिए। एक ये वाला पार्ट देखिए, तो ये कंप्लीट इसका अनबॉक्सिंग था। और बाकी आप अगर इसको बाय करना चाहो, अगर अच्छी कंडीशन मिलता तो मैं इसको रखता, क्योंकि इस रेंज में और कोई आपको स्टेबलाइजर नहीं मिलता है। टेस्टिंग की बात करूं तो मैंने इसका टेस्टिंग करवा के देखा था पहले, उसमें ये अगर आपके यहाँ 100 वोल्टेज आ रहे हैं तो ये 95+ बूस्ट करता है, तो 195 आपको 200 तक आपको मिल जाते हैं। और ये केबल की बात करूँ तो इसमें आपको करीब 1 मीटर की केबल मिल जाती है, जो कि इसका लेंथ काफ़ी ठीक रहने वाली है। ये आपको मीटर मिल जाता है। तो अब गाइस मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और ये कंटिन्यू ब्लिंक हो रही है और कैमरे की वजह से ये आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है। ये इनपुट अभी 203-204 आ रहा है और आउटपुट में आप गाइस देख पा रहे होंगे 219 निकाल रहा है, ये 219। तो अभी मैंने 1.5 टन का एसी इसके कनेक्ट किया हुआ है और ये 4 kVA का है, तो रिकमेंडेड इसमें 1.5 kVA है। 5 kVA का आप मत करें इसमें, तो 2 टन का एसी के लिए नहीं सपोर्ट करेगा ये। और अभी 11:15 बजने वाले हैं, 12 बजे के बाद पावर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होती है यहाँ पे, तो तब देखते हैं। तब लगभग 170-160-150 तक भी चली जाती है, तभी इसका आउटपुट क्या रहता है। फिलहाल इसको कनेक्ट कर दिया, बढ़िया काम कर रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बस हैंगिंग का थोड़ा इशू है, इसकी सीट मेटल काफ़ी थिन है, जो पीछे ट्रांसफार्मर का वेट है वो अपने आप आगे पीछे हो जाता है जब इसको उल्टा सीधा मैं करता हूँ। यहाँ तो बाय कर सकते हो, क्योंकि इस रेंज में आपको और कोई दूसरा स्टेबलाइजर ये रेंज आपको नहीं देने वाला है। और इसके रेटिंग रिव्यू भी काफ़ी ठीक थे, कुछ नेगेटिव भी थे, कुछ पॉजिटिव भी थे, तो कुल मिला के पॉजिटिव